कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 को लेकर के केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा नई गाइडलाइन पालन करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वही स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के सभी तैयारियां जिला अस्पताल में पूरी कर ली गई है। कोविड को लेकर के बिजनौर जिला अस्पताल में 102 बेड का अस्पताल स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ जिला अस्पताल में बने कोविड सेंटर को पूरी तरीके से साफ करके वेंटिलेटर बेड को भी लगा दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट को भी चला करके चेक किया जा रहा है। अस्पताल में पूरी तैयारी है, चौथी वेव जो आने की संभावना बन रही है, तो स्टाफ हमारा पूरा है और आईसीयू हमारी पूरी तैयार है। आईसीयू में 12 बेड हमारे पास है और 17 वेंटिलेटर टोटल हमारे पास है जो वर्किंग अवस्था में है। 11 HFNC मशीन है, 4 बाईपैप है और उनको चलाने के लिए पूरा स्टाफ हमारा ट्रेंड है। अगर आवश्यकता पड़ती है और स्टाफ की तो वो हम हायर करके उसको आगे काम को चला सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट की क्या कंडीशन है? ऑक्सीजन प्लांट रोज चेक करा जा रहा है, कल भी चलाया था हमने 2 घंटे और आज भी चलाएंगे और ऑक्सीजन प्लांट ठीक है। ऑक्सीजन प्लांट से हमारे 72 बेड जो है टोटल ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू उनको ऑक्सीजन मिलती रही। लैब की अगर बात किया तो लैब कंडीशन क्या है? लैब का हमारा सामान सारा प्रचुर मात्रा में, स्टाफ पूरा है और लैब 24 घंटे हमारी शिफ्ट उसमें काम करती रही। दवाइयां वगैरह लैब की टेस्ट।